फ्रेंड्स, अगर आप टीचर हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों को जब आप होमवर्क देते हैं तो वो बच्चे आपको पीडीएफ में होमवर्क सेंड करते हैं तो आप उनकी कॉपी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पीडीएफ में ही आप बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। जो उन्होंने आंसर लिखा है उसको चेक मार्क कैसे करेंगे, और अगर आपको क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे, और जितने मार्क्स आप देना चाहते हैं कैसे आप उसमें एडिट करके बहुत आसानी से उनको पीडीएफ में ही आप मार्क्स दे सकते हैं, वही कॉपी आप दोबारा सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसे करेंगे फ्रेंड्स और कौन से सॉफ्टवेयर से करेंगे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ फ्रेंड्स, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी पीडीएफ में अगर आप किसी को मार्क्स देने हैं या फिर आपको पीडीएफ में ही आपको कॉपी चेक करनी है कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल रखी है, पीडीएफ में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ तो देखिए ये पीडीएफ ओपन हो गई है, और इसमें अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इसको आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको इस फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और इसको ओपन विद करके आपको इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलना है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन करता हूँ, आपके सामने ये फाइल ऐसे खुल जाएगी। ऊपर देखेंगे आपके सामने एज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ड्रॉ, हाईलाइट, इरेजर, टेक्स्ट, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ से कॉपी चेक करनी है तो आप इसमें ड्रॉ में क्लिक करेंगे और इसमें आप जाके कुछ भी चेक करना है ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ और अब आपको करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। आप इसको मार्कर को अब मोटा और पतला करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, देखिए ये मोटा हो गया मार्कर। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कोई भी आप कॉपी आसानी से आप चेक कर सकते हैं, और इसमें आपको और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है ऐसे करके आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसको सेव में जाके आप सेव कर देंगे। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये फाइल आपकी सेव हो गई है। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ये फाइल देखिए जो मैंने इसमें एडिट किया है वो सब यहाँ पर एडिट हो गया है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से पीडीएफ फाइल चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप दोबारा यही फाइल आप बच्चों को सेंड कर सकते हैं और वो अपने मार्क्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।